हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो कुकिंग विद काजल ब्लॉग। तो आज मैं अपने इस चैनल पे बिहार का सबसे प्रसिद्ध लिट्टी बना के दिखाने वाली हूँ, वो भी गैस पर एकदम घर पे आसान तरीका से। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ मैं आटा यूज कर रही हूँ गेहूँ का, और ये है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो है बाजरे का आटा, और जो येलो वाला दिख रहा है वो है मकई का आटा। तो इससे हमारा जो लिट्टी है एकदम क्रिस्पी खास्ता बन के एकदम रेडी होगा। तो आज मैं इसमें कुछ सीक्रेट तरीका से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं पहले नमक ऐड की हूँ 1 चम्मच स्वाद के अनुसार, उसके बाद है ये है जवाइन, जो उसके बाद है ये मंगरैला। तो ये सब लिट्टी का जो है वो स्वाद बढ़ा देता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है खाने में। और इसमें जो लास्ट में डालने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा सीक्रेट तरीका है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो लिट्टी आपकी बहुत ही खास्ता क्रिस्पी, और आप इसे अगले दिन भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब भी नहीं होती है। तो ये देखिए, सबको पहले अच्छे से यहाँ मैं मिला देती हूँ, और इसके लिए बड़ा सा जार में आटा को लेना ताकि यार हमारा आटा आराम से गुथा जाए। तो ये देखिए, यहाँ मैं यूज कर रही हूँ दूध। तो यहाँ मैं बड़े गिलास से 1 गिलास यहाँ दूध का यूज कर रही हूँ। आज मैं जो आटा ये लगाने वाली हूँ लिट्टी का, वो मैं दूध से आटा को गूंथूंगी। इससे आटा हमारी एकदम सॉफ्ट एकदम खास्ता बन के रेडी होगा। ये ऐसा लिट्टी मैं आज बना रही हूँ घर पे कि मतलब बच्चे जवान और बूढ़े कोई भी इसे खा सकते हैं, मतलब खाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया। अब उसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम चलते हैं यहाँ सत्तू बनाने। तो यहाँ मैं सत्तू यूज कर रही थी, 250 ग्राम है। उसके बाद यहाँ ये है बारीक कटी हुई प्याज, एकदम बारीक कट चाहिए क्योंकि जब हम भरते हैं तो वो फटने का डर रहता है। तो अब उसके बाद है ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। लिट्टी का जो है उसका ये मेन पार्ट भी होता है सत्तू, तो इसका मसाला जो है वो भी एकदम अच्छा सा स्पाइसी होना चाहिए, इससे लिट्टी का जो स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ हम मिलाते हैं अब लहसुन। लहसुन भी हमारा एकदम बारीक कट किया, और सब इसमें जो भी हम सामान ऐड कर रहे हैं उसमें एकदम बारीक कट करना है। और उसके बाद यहाँ अजवाइन मंग रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ डालें। तो इसमें अब ऐड किए हैं ये नमक 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैं नमक 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ क्योंकि हमारा यहाँ सत्तू 250 ग्राम था तो उसके अनुसार, तो ये देखिए। और यहाँ प्याज मैं यूज कर रही हूँ 6-7 प्याज था, लहसुन की कली थी 5-8-10। उसके बाद से बारीक कटी हुई मिर्च, स्वाद के अनुसार अजवाइन मंगरैल, सब कुछ। तो एकदम चटपटा सा एकदम हमारा, देखिएगा अभी बन के रेडी हो जाएगा ये मसाला। अब इसके बाद हम यहाँ ऐड करते हैं नींबू, इससे जो खट्टापन का स्वाद आता है इससे मसाला बहुत ही अच्छा बनता है लिट्टी का। इसके बाद मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ मसाला, तो जो आम का अचार का जो मसाला होता है उसको तेल के साथ वो डाली, उससे डालने से इतना ज़्यादा स्पाइसी मसाला बनता है कि आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैं अचार का ये जो मसाला था आम का, जो मैं अचार का यहाँ मसाला यूज कर रही हूँ, इसको मिलाने के बाद बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाता है लिट्टी में, एकदम परफेक्ट। देखिएगा इतना ज़्यादा खाने में भी टेस्टी होता है। अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं धनिया की पत्ती। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला देती हूँ, ये देखिए। तो मसाला यहाँ परफेक्टली एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें लास्ट में मैं ऐड करती हूँ ये है तेल। तो जब भी आप लिट्टी का मसाला बनाइए तो उसमें सरसों का तेल ही ऐड कीजिए। यहाँ मैं बड़े बड़े वाले 1 कप से यहाँ मैं तेल यूज कर रही हूँ मसाला में। तो ये देखिए, इससे हमारे एकदम अभी कलर भी चेंज हो जाएगा, मसाला एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगा। अब इसको यहाँ हाथ से मसाले को मिलाइएगा ताकि एकदम अच्छे से एक दूसरे में ये सब मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए एकदम कितना परफेक्टली हमारा ये सत्तू का जो मसाला है एकदम परफेक्ट अच्छा से एकदम रेडी हो गया है। तो ये इसी तरह से रहना चाहिए, ये देखिए एकदम कितना कलरफुल लग रहा है।
तो हमारा दोनों बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा आटा एकदम परफेक्टली एकदम सॉफ्ट एकदम हो चुका है। तब हम यहाँ पहले लिट्टी बना के दिखाते हैं। तो यहाँ हम एकदम छोटा छोटा जैसा पसंद हो छोटा बड़ा वैसा कीजिएगा। तो मैं एकदम बाजार वाली एकदम बाजार जैसा घर पे बना के दिखा रही हूँ। छोटा छोटा भी गैस पर लिट्टी आग वाली यहाँ मैं फ्राई नहीं करूंगी गैस पे बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एकदम छोटा सा इसको ऐसे राउंड राउंड करके लिट्टी जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको भी। यहाँ मैं अब इसका मुंह बंद कर देते हैं एकदम चारों तरफ से घुमा के राउंड में। ये देखिए बाकी इसी तरह से सारे लिट्टी को हम बना लेते हैं। तो यहाँ मेरा पूरा लिट्टी बन के रेडी हो चुका है। तो सारे लिट्टी मैं यहाँ सेम प्रोसेस के साथ यहाँ बना चुकी हूँ। तो अब चलते हैं हम यहाँ गैस की ओर। यहाँ मैं अप्पे मेकर जो होता है मैं उसमें आज लिट्टी बना के गैस पे एकदम अच्छे तरीका से दिखा दूँ। जैसे गांव में आग पे बनता है ना वैसे एकदम करारा लिट्टी एकदम सॉफ्ट स्मूदी इतना अच्छा ये लिट्टी बन के रेडी होगा कि से बच्चे जवान बूढ़े कोई भी इसको बहुत ही आसानी से खा सकता है। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाली हूँ एक एक बूंद और सबको अच्छे से मिला के अब सारी लिट्टी जो है मैं यहाँ पे एक एक करके पूरा जितना भी यहाँ खाना है इस मेकर का तो मैं इसमें सबको रख के और इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको छोड़ देती हूँ। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं यहाँ जब ढक्कन हटाई तो ये देखिए एकदम गोल्डन गोल्डन ब्राउन हमारा हो गया। और यहाँ हम करेंगे अब गैस का फ्लेम कम क्योंकि कम आंच पर ये लिट्टी हमारे बहुत ही ज्यादा करारे और एकदम अच्छे से पकेंगे। तो ऐसे भी लिट्टी को कम आंच पे ही पकाना चाहिए एकदम अच्छा तरीका से हमारा अंदर से भी पक जाए ताकि हमारा ये अंदर से जो कच्चा ना रह जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा से एकदम गोल्डन ब्राउन हो रहा है एकदम। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम ओरिजिनल वीडियो है मैं जो जैसे बनाई हूँ वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको ये फाइनली 5 मिनट के बाद ये मैं दिखा रही थी ये देखिए एकदम परफेक्टली एकदम अच्छा सा हमारा एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन हमारा ये लिट्टी बन के रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारे लिट्टी। तो मैं यहाँ इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये खाने में भी खुशबू भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं इसको यहाँ टिप करूंगी इसको घी में। तो लिट्टी को घी में लगा के खाने से तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए एकदम खास था एकदम सॉफ्टी था ये हमारा लिट्टी। कितना अच्छा अंदर इसका जो मसाला है सत्तू वाला एकदम परफेक्टली अच्छा दिख रहा है और ये पक भी चुका अच्छा से। तो है ना एकदम यम्मी और डेलिकसस ये वीडियो है। इस रेसिपी को आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा इस मेकर में बना के। तो ये देखिए यहाँ मैं घी में इसको टिप कर देती हूँ ताकि ये स्वाद और ज्यादा इसका बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ प्लेटिंग करती हूँ अब अपने लिट्टी का। तो यहाँ मैं बनाई हूँ मशरूम की सब्जी तो और यहाँ चोखा। तो लिट्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो चोखा और मशरूम के सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ है। और आज का जो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। ये ठंडी के मौसम में लिट्टी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। आती हूँ, बाय फ्रेंड्स।